बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत सीकर जिले के 4 स्थानों पर कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार से हुआ। जिले के श्री कल्याण अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़, खंडेला और दांता में कुल 242 हेल्थ वर्कर्स को पहले दिन टीका लगा। श्री कल्याण अस्पताल के कोविड 19 आदर्श टीकाकरण केंद्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने वैक्सीन कैरियर बॉक्स पर स्वास्तिक बनाया और बॉक्स खोलकर वैक्सीन की बॉयल को निकालकर टीकाकर्मी को सौंपकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, श्री कल्याण अस्पताल के PMO डॉक्टर अशोक चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह सहित कई चिकित्सक मौजूद थे। कोविड 19 आदर्श टीकाकरण केंद्र पर प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण के देखने की व्यवस्था भी की गई। लाभार्थी एक लाइन बनाकर केंद्र के प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल हुए और प्रतीक्षा कक्ष में बैठकर अपनी बारी का इंतजार किया और बारी आने पर सत्यापन कक्ष में पंजीकरण करवाने के बाद टीका लगवाया और निगरानी कक्ष में 30 मिनट तक चिकित्सकीय ऑब्जर्वेशन में रहे। इसके बाद उनको बाहर भेजा गया। राजस्थान प्राइवेट नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश पंडित ने बताया कि दिनांक 16 जनवरी 2021 को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा परिणाम जारी हुआ। नर्सेज अभ्यर्थियों की लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन की मांग को सरकार ने पूरा किया। परिणाम जारी होने पर नर्सेज अभ्यर्थियों में अत्यंत खुशी की लहर है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का एसोसिएशन ने आभार व्यक्त किया। श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति सुरोठ तहसील के संयोजक रामावतार शर्मा व सह संयोजक नेमीचंद सुरोठ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रचारक के नेतृत्व में शुक्रवार से श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा धन संग्रह किया गया, जिसमें समर्पण राशि कस्बे के सुरोठ ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार शर्मा के द्वारा 1,101 रुपए धन संग्रह में दिए गए। अनिल गोधुहन ने 11,011 रुपए, रतन लाल महावर ने 11,011 रुपए, प्रहलाद ठेकेदार जी द्वारा 11,011 रुपए और भोले शंकर गोधुहन द्वारा 5,100 रुपए की राशि श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति को सौंपी गई। इस मौके पर धन संग्रह समिति में श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति के उपखंड कोषाध्यक्ष रामचंद्र सिंह, उपखंड मंत्री मोहित सिंह नारायण सिंघल आदि मौजूद रहे। श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति के पदाधिकारियों द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु शुक्रवार को धन संग्रह प्रारंभ किया गया। शुक्रवार को डाबला रोड क्षेत्र में एक व्यक्ति की लाश मिलने के मामले का खुलासा कर मर्डर की गुत्थी को सुलझाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयनगर कॉलोनी डाबला रोड क्षेत्र में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना पर पुलिस थाना कोतवाली मौके के लिए रवाना हुई, जिस पर पुलिस थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने टीम का गठन किया, जिसमें थानाधिकारी कोतवाली बलवंत राम द्वारा मौके पर ही अनुसंधान शुरू किया गया। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर मौके पर साक्ष्य जुटाए गए तथा मृतक पार्थ की लाश मोर्चरी रूम में रखी गई। दोनों टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार लगातार प्रयास करते हुए प्रकरण के घटनाक्रम का खुलासा करते हुए मुलजिम राजेंद्र सिंह निवासी जिवराज सिंह की ढाणी धोबा पुलिस थाना कुड़ी जैसलमेर को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपी राजेंद्र सिंह से वारदात में संलिप्त आरोपियों व घटना के कारणों के संबंध में गहन अनुसंधान जारी है। जैसलमेर के फलसुंड थाना क्षेत्र में गला दबाकर नाबालिग बच्चे की हत्या के मामले में जैसलमेर पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक का पिता आरोपी के पिता के ट्यूबवेल पर काश्त करता है। उसके 12 वर्षीय पुत्र को आरोपी शहद लाने के बहाने अपने साथ ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद नाबालिग शोर मचाने लगा और घर जाकर अपने परिजनों को इसके बारे में बताने की बात कही, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी ने नाबालिग की गला दबाकर हत्या की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई और आरोपी की तलाश शुरू की गई। आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।